हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल फूडीज वर्ल्ड विद जया में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाली एक मटन की रेसिपी। तो आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज लिया है, जिसे मैंने काट लिया है। फिर मैंने 2 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा कप तेल लिया है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जो कि हैं काले मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका रंग बहुत अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक, आप मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जो कि हैं तेज़पत्ता, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, साबुत जीरा, हींग, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लौंग, छोटी इलायची, जायफल का छोटा टुकड़ा। इन सब का इस्तेमाल हम शुरुआत में करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है कसूरी मेथी और गरम मसाला, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं, जिसके छिलके को मैंने निकाल लिया और उसे 2 भाग में काट लिया है। अब एक कुकर लेंगे, इसमें तेल डालें, तेल को गर्म होने दें, फिर इसमें तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, साबुत जीरा और हींग डालकर 1 मिनट तक सौटे करेंगे। फिर इसमें कटे हुए प्याज डाल दें और इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। 4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, तो अब इसमें मटन डाल दें और मटन को भी 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें सारे सूखे मसाले, जो कि हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक वगैरह है, वो सब डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे 2 मिनट तक भून लें। फिर इसमें 1/2 कप पानी डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें ढक्कन लगा ले और इसे 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 सीटी आ चुकी है, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया तो और वेपर निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये अभी भी बहुत गर्म है। अब गैस को फिर से ऑन कर लें और अब एक स्पैटुला से इसे एक बार मिला लें। फिर इसमें मैंने जो आलू को काट के रखे थे वो इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो आलू ना भी डाल सकते हैं, पर आलू इसमें डालने से बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाएं। इसे हमें करीब 10 मिनट तक भूनना है। 10 मिनट भूनने में इस आलू भी गल जाएगा 90% तक और मटन भी हो जाएगा। अभी मैं आपको मटन चेक करके बताती हूँ कि ये कितने प्रतिशत तक गला हुआ है। तो इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये अभी पूरी तरह नहीं गला, ये 60 से 70% तक गला है। 10 मिनट भूनते भूनते हमारा आलू और मटन दोनों अच्छी तरह से गल जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, तो अब एक बार आलू चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू कट जा रहा है आसानी से, यानी कि हमारा आलू गल चुका है। और अब एक मटन के पीस को भी देख लेते हैं। इसे एक बार फिर से कटोरी में निकाल लेते हैं और चम्मच के हेल्प से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका बोन निकल रहा है, यानी कि ये भी गल चुका है। तो अब इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी, आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसमें एक उबाल आने दें।
तो मैं इसे ढक देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एक सीटी भी लगा सकते हैं अगर आपका मटन अच्छी तरह से ना गला हो तो। मेरा मटन गल चुका तो मैं इसे कवर करके ही पका लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है, तो अब फ्लेम को ऑफ कर दें। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में। आप देख सकते हैं इसका रंग कितना अच्छा आया है और इसे खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विथ मी।